सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे क्रिएटर हैं कि जब भी वो अपनी वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं तो उनकी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी जो होती है काफ़ी कम सुनाई देती है। उनकी वीडियो में जो ऑडियो होती है उनकी आवाज़ काफ़ी कम सुनाई देती है, जिसकी वजह से उनकी वीडियो पर काफ़ी कम व्यूज आते हैं। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी वीडियो बना लो, अगर उसमें आपकी ऑडियो क्लियर नहीं होगी, लाउड नहीं होगी, तो लोग उसे देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा दोस्तों कब होता है कि जब इंसान बिना किसी माइक के वीडियो बनाता है अपने हेडफोन के द्वारा। तो दोस्तों, हेडफोन से हमारी वीडियो में काफ़ी कम आवाज़ आती है, तो कैसे आप अपने हेडफोन से ही अपनी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी लाउड कर सकते हो, कैसे आप अपने वीडियो में अपनी आवाज़ को बढ़ा सकते हो, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके लिए आपको किसी भी माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने हेडफोन से ही अपनी वीडियो में अपनी ऑडियो की क्वालिटी को लाउड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, जिसके लिए आपको सिर्फ कुछ टिप्स फॉलो करनी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, आपको एकदम लाइव दिखाऊंगा, जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके कि आपको क्या क्या तरीका अपनाना है और किस तरह से क्या टिप्स फॉलो करनी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको समझ आ सके कि आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है जिससे आपकी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी लाउड हो सके। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं कभी भी यूट्यूब पर कोई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपनी वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं तो उससे पहले हमें अपनी वीडियो को एडिट करना पड़ता है, जिससे हम उसमें से अपनी वीडियो में से जो बेकार पार्ट है उसे हम हटा सकें और उसमें कोई फिल्टर अप्लाई कर सकें। दोस्तों, इसके लिए हमें दो एप्लीकेशन जरूरत पड़ती है, या तो वो होती है कानमास्टर या होती है पावर डायरेक्टर। तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ साउंड बढ़ाने के लिए, आप कोई सी भी एप्लीकेशन कर सकते हो। तो मैं आपको कानमास्टर में करके दिखाता हूँ, मैं अपना कानमास्टर ओपन करता हूँ, आप पावर डायरेक्टर में भी कर सकते हो। दोस्तों, दोनों में सेम प्रोसेस है। तो आपको ये ओपन करना है और प्लस पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें अपनी नई वीडियो सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर आके दोस्तों आपको 6:9 पर जो यूट्यूब वाला होता है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से अपनी फाइल ले लेनी है, जिस भी वीडियो को आप अपनी ऑडियो की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो, जो वीडियो आपको यूट्यूब पर डालनी है। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको एक वीडियो लगा के दिखा देता हूँ। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको एक वीडियो सेलेक्ट करनी है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ज़रूरी बात बताता हूँ, जब भी आप कोई वीडियो यूट्यूब पर डालो या फिर जब भी कोई आप वीडियो यहाँ पर एडिट करो, तो आपको दोस्तों कटिंग करने से पहले, जो आप वीडियो में कटिंग करते हो, एडिट करते हो, वो करने से पहले दोस्तों आपको वो सारी चीज़ अप्लाई कर देनी है जो आप अपनी वीडियो में अप्लाई करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप अपनी वीडियो में साउंड बढ़ाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको वीडियो को कटिंग करने से पहले ऐसे क्लिक करना है और साउंड को बढ़ा देना है जैसे आप बढ़ाते हो, या फिर आप अपनी वीडियो में कोई फिल्टर लगाते हो या फिर ब्राइटनेस बढ़ाते हो। तो दोस्तों, कटिंग करने से पहले आपको वो सारी चीज़ें अप्लाई कर देनी है। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपनी वीडियो कटिंग करोगे तो उसके जितनी भी पार्ट होंगे, जितनी भी पार्ट में वीडियो पहुँच जाएगी, एक से ज़्यादा, एक 10 में या 12 में जितनी भी पहुँच जाएगी, उन सारी वीडियो में दोस्तों सेम कलर आपकी वीडियो में आएगा। ऐसा नहीं है किसी वीडियो में कम आएगा, किसी में ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वीडियो कटिंग करने से पहले ही वो सारी चीज़ें अप्लाई कर दी थी। अगर आप कटिंग करने के बाद एक एक करके उन सब पार्टों में अप्लाई करोगे, तो दोस्तों आप गलती से भी आपका कोई पार्ट रह गया जिसमें आपने कोई भी जो आप फिल्टर यूज़ कर रहे हो उसमें यूज़ नहीं हो पाया, तो जब आप वीडियो यूट्यूब पर डालोगे तो देखने में वो वीडियो काफ़ी बेकार लगेगी, क्योंकि कोई कोई पार्ट उसका ऐसा रह जाएगा जिसमें आपने जो फ़िल्टर आपने यूज़ किया है वो अप्लाई नहीं हो पाया होगा, या फिर किसी वीडियो किसी पार्ट में दोस्तों किसी जगह पे आपका साउंड काफ़ी कम आएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो इस तरह से आपकी वीडियो काफ़ी बेकार लगेगी। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी वीडियो को फ़िल्टर अप्लाई करो या फिर हर बार करते हो, तो कटिंग करने से पहले ही वो आपको सब कुछ कर देना है, जिससे आपकी पूरी वीडियो में सेम कलर हो और सेम साउंड हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपको साउंड बढ़ाने की। तो जब आप वीडियो सेलेक्ट कर लोगे तो आपको वीडियो पर क्लिक करना है और साउंड पर क्लिक करना है, साउंड को यहाँ से 200 कर देना है, वैसे ओके कर देना है। अब फिर से दोस्तों वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा होगा EQ का, आपको इसे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ से रॉक सेलेक्ट कर लेना है और इसे ओके कर देना है। अब दोस्तों देखिए, मेरी वीडियो में काफ़ी लाउड आवाज़ है पहले से ही, देखिए। ऑल प्रेस कर दीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इतना करने के बाद आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। आपको अपनी वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करनी है, कोई कटिंग नहीं करनी है, जैसा आप बाद में करना। आपको यहाँ पे अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है क्वाड एडी पे आके। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। अब दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के बाद आपको फिर से अपना कानमास्टर ओपन करना है।
और फिर से दोस्तों प्लस पे आना है, यहाँ से कोई भी पुरानी फाइल नहीं है, आपको प्लस पे जाना है नए वाले पे। फिर से आपको 6309 सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों जो आपने वीडियो अभी एक्सपोर्ट की थी, जिसकी साउंड आपने बढ़ाया था, जिसको आपने एक्सपोर्ट किया था, फिर आपको वही वीडियो ले लेनी है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, फिर से आपको एक वीडियो लेकर दिखा देता हूँ। तो जो मान के चलो आपकी वही वीडियो है जो अभी आपने एक्सपोर्ट की थी, आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ से इसे बिना कटिंग करे, बिना कुछ एडिट किए आपको फिर से सेलेक्ट करना है और फिर साउंड पे आना है। अब फिर से इसका साउंड आपको टू एडिट कर देना है, उसे वो कर देना है। और दोस्तों जो दूसरा वाला तरीका था मैंने अभी बताया था EQ वाला, वो आपको सिर्फ एक ही बार करना है, पहली बार में, दूसरी बार नहीं करना है। तो दोस्तों इसमें आपने क्या किया कि आपकी वीडियो साउंड था वो 100 था, आपने उसको 200 कर दिया, फिर से आपने उसी वीडियो सेलेक्ट करके इसका साउंड 200 कर दिया, तो इस तरह से इसका साउंड 400 हो गया। तो दोस्तों इस तरह इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा लाउड हो चुका है। आपकी वीडियो में कितना भी कम साउंड क्यों ना हो, आप इस तरीके से अपनी वीडियो में साउंड को बढ़ा सकते हो और आपकी साउंड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी जब आप किसी एप्लीकेशन में आके इस तरह बढ़ाओगे। तो दोस्तों जब भी आपकी किसी वीडियो में साउंड कम नज़र आए आपको, आप इसी तरीके से ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो और अपनी वीडियो में साउंड की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। आ चुका होगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपनी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी को लाउड कर सकते हो बिना किसी माइक के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपकी लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।